हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले फ्रेंड्स, वो वीडियो हमें सजेस्ट किया गया है तेसरिंग भाई की तरफ से। उन्होंने कमेंट किया था कि हम इस वीडियो पे रिएक्शन दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आज के वीडियो का नाम है, जो उन्होंने सजेस्ट किया है, म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया। तो वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। ये ट्रिब्यूट है जो तिब्बतियन लोग हैं उनकी तरफ से भारत के लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो पहले वीडियो देखेंगे और बातें बाद में करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। धन्यवाद भारत। जिस देश से संसार को है ज्ञान का प्रकाश मिला, वेदों पुराणों में जहां सत्य का सुमन किया, शिष्य तिब्बत है भारत का, करता है कोटि नमन, तेरी ही गोदी में पला है शिष्य, तेरा है चमन, तेरे भरोसे हम जिए हैं, ए मेरे भारतवर्ष, रखवाला है तू सभ्यता का, बचाई है संसार की छत, हिमालय की विशालता सार कला में प्रवीण है, भारत तिब्बत का मिलन सदियों से प्राचीन है, धर्म दर्शन संस्कृति भाषा सबका एक चित्र है, ये मिलन अनमोल बेमिसाल और विचित्र है, अमर कोश काव्य से ही हमने था संवाद किया, सरस्वती चंद्र व्याकरण से वचनों का अनुवाद किया, अनुवाद किया। विक्रमशिला और नालंदा जैसे विद्या मंदिरों में संतराक्षित कमलशील और अतीश के सानिध्य में हजारों अनुवादकों की कर्म भूमि है तिब्बत, प्रणाम करते हैं भारत तुझे कोटि कोटि शतम शत। ओ साहित्य सभ्यता का मिलन करवाया जिन अनुवाद को, मानवता का दिग दर्शन करवाया जिन जिन साथ कौन, इस धरती पर जिन्होंने खींचा मानवता का चित्र है, भारत तिब्बत का मिलन बेमिसाल और भारत वसुधा को कुटुंब है कहता और शांति का प्रतीक है शास्त्र शास्त्र में पारंगा साथ ही था, जब चीन ने हरण किया तब गुरु ने आगे बढ़कर
शिष्य को शरण दिया। है सच्चा रक्षक मानवता का, जिसका हमने वर्ण किया। बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं हैं और विद्यालय, धर्म दर्शन संस्कृति की रक्षा हेतु खोले यहाँ विश्वविद्यालय। सरल जीविका के साधन सहज ही उपलब्ध हैं। देव भूमि में बिताए कुशल 60 वर्ष हैं। कैसे धन्य कहूँ भारत, मिलते नहीं मुझे शब्द हैं। धन्यवाद भारत है तेरा, थैंक यू इंडिया, लव यू इंडिया। शतम शत प्रणाम, शत शत शतम शत प्रणाम है, शतम शत प्रणाम भारत, शतम शत प्रणाम है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, दिल को छू जाने वाला वीडियो था सच में। और जो गाना था और जिस तरीके का म्यूजिक था और गाने का हर एक वर्ड, हर एक लाइन बहुत मीनिंगफुल थी और हार्ट टचिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया था वीडियो देखते देखते। जो तिब्बतियन लोगों का प्यार है भारत के तरफ, और भारत के लोगों का भी उतना ही प्यार है फ्रेंड्स, तिब्बत के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। इस वीडियो में जो इंडिया और तिब्बत का एक ज़माने से रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, उसके बारे में भी बताया गया। और 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुई उसके बारे में बताया गया। तो हर बार जो तिब्बत के लोग हैं वो भी जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी भारत के लिए खड़े हुए, और भारत के लोग भी उनके लिए खड़े हुए हैं हमेशा। और एक अभी टाइम है कि चाइना को उसकी जगह दिखाई जाए। तो विकास रेजिमेंट ने उनको एक ट्रेलर दिखाया है कि जो तिब्बतियन लोगों से बनी हुई जो बोलते स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास रेजिमेंट, तो उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है चाइना को। और हम लोग एक बोलते बोलते गलती कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मैंने पासांग जी के जो थैंक यू इंडिया वीडियो था उस पर भी रिएक्शन दिया। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम बोलते हुए एक गलती कर रहे हैं कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर बोल रहे हैं। एक्चुअली इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं है, वो इंडिया और तिब्बत बॉर्डर है। तो हमें बोलते हुए हर बार इंडिया और तिब्बत बॉर्डर ही बोलना चाहिए, जो कि रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, मुझे एक बात पता चली जो उससे पहले मुझे भी पता नहीं थी। विकास रेजिमेंट के जो जवान है, जो सोल्जर है, वो शहीद हो जाते हैं उसके बाद का उनका जो भी पैसा है जो है वो किसको मिलेगा, तो वो दलाई लामा का नाम लिखते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो अपने देश के तरफ और अपने धर्म गुरु सब कुछ मानते हैं, रिस्पेक्टेड दलाई लामा जी को, तो उनके तरफ वो कितने लॉयल है और कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और आप किसी वीडियो का सजेशन देना चाहते हैं रिएक्शन के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।